हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई नाराज़ है आपसे तो क्या वजह है उनकी नाराज़गी की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो सबके आते ही रहते हैं। जैसे आज के दिन की बात करूं तो किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं, बेकार में ट्रैवलिंग तो हुआ, ऊपर से काम ना होने की वजह से एनर्जी और ड्रेन हो गई, और बाकी की घर की बातें तो है ही, जो काम पूरे करने हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। तो कई कबार लगता है ना कि हमारा दिन और भी अच्छा जा सकता था, ये काम अगर हो जाता तो। किस वजह से कब दिल में नाराज़गी हम फील करें ये तो हमें खुद नहीं पता होता। देखते हैं इस पर्सन को किस बात की नाराज़गी है। 1, 2, 3, 4 आ गए, तो एक ही लेना है, ये रहा 5। अब ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 7 of Cups का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन के दिल में कई सारे विशेष हैं जिनके बारे में सोचते हुए ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इनमें से एक है उनके दिल की जुड़ी ख्वाहिशें। तो राइट नाउ शायद आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं और शायद आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और उन्हें लगता है कि क्या आपकी लाइफ में आपको उनकी कमी नहीं महसूस होती। यानी कि जैसे उनके दिल की इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, वैसे क्या आपके दिल की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि आपको उनसे बात करनी है, आपको जानना है कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये जब शायद वो सोचते होंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि शायद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपको कोई उनकी फिक्र नहीं, और ये जब ख्याल उनको सताता है तो और भी ज़्यादा नाराज़गी की एनर्जी में वो पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है 10 of Pentacles, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक बक्से में ये सब पेंटेकल्स जमा है, वैसे ही शायद ये पर्सन थोड़ा सा अपनी करियर को हो सकता है ध्यान दे रहे थे, या फिर अपने पैसों को लेके कुछ, सिक्योरिटी को लेके कुछ सोच रहे थे, या फिर उनके फैमिली के कुछ मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़े से उन बातों को लेके भी डिस्टर्ब है। और शायद ऐसे हालत में उन्हें लगता है कि ये सब बातें उन्हें आपसे शेयर करनी चाहिए, भले ही आप उस बात की लिए अपना ओपिनियन दे या ना दे, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई तो हो जिसके साथ मैं ये सब बातें शेयर करूं। और जब ऐसा उन्हें फील होता है और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि आप दोनों तो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो शायद और भी ये नाराज़गी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द हीरोफंट। तो हीरोफंट का कार्ड जब भी आता है ये सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। वैसे ही आपके पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें आगे का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब कई बार हो जाता है ना कि हम सोच सोच के माइंड में स्टक हो जाते हैं, तो वैसे ही शायद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक सोच उनमें आपकी भी शामिल है। मतलब ये आपके बारे में भी सोचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि क्या आप उनके बारे में सोचती होंगी या सोचते होंगे, और उस बात का उन्हें कुछ प्रूफ भी नहीं मिलता। यानी कि आपकी तरफ से शायद कोई आई मिस यू ऐसा मैसेज भी नहीं आ रहा, या फिर आपने उनसे कई दिनों से शायद मिलने के लिए भी नहीं पूछा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा तो भी मैं करूंगा क्या या करूंगी क्या, इस तरह की एनर्जी में है, और उसी वजह से शायद ये फ्रस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पेज की एनर्जी मतलब ये
कप तो लेके हाथ में खड़ा है, लेकिन इसको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेनी क्योंकि इमैच्योर एनर्जी में है। वैसे ही आपके पर्सन शायद स्टबननेस की एनर्जी में है, मतलब वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। शायद हो सकता है आप दोनों में कुछ थोड़ी बहस हुई हो सकती है, तो इस पर्सन को शायद लगता है कि आपको सामने से बात करनी चाहिए, यानी कि अप्रोच आपको करना चाहिए। जब आप उनसे कुछ बात करेंगे या करेंगे तो ये अपने कप का आपके सामने रिवील करेंगे कप को, यानी कि ये तब आपको बताएंगे कि हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी ये आज भी आपसे प्यार करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो जैसे यहाँ पे एक कप में वाटर है, दूसरे कप में आग है, वैसा ही शायद आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट्स हैं, लेकिन अट्रैक्शन लेवल तो आज भी है, यानी कि आप भी अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील करती होंगी या करते होंगे, और आपके पर्सन की भी सेम हालत है। ऐसी हालत में अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो इस पर्सन को भी ये एहसास होता है कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने के बावजूद भी ये दूरियां कम क्यों नहीं हो रही, ये आग और पानी एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ रहे, ये उन्हें समझ में नहीं आता और वो नाराज़ हो जाते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। वेटिंग। तो ये पर्सन शायद आपके मैसेज का, आपकी तरफ से किसी बात को स्टार्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार उनका इतना शायद ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें अब बेचैनी महसूस हो रही है, और इस इंतज़ार की एनर्जी की वजह से शायद वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं। ये रहे उनके मैजिकल वर्ड्स। ये तो वो आपसे कह चुके होंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, अब वो आपकी तरफ से शायद सुनना चाहते हैं, मतलब शायद आपकी तरफ से ये वर्ड सुनने के लिए वो राह देख रहे हैं। और अगर आपने उनको रिसेंटली ये वर्ड्स नहीं कहे हैं आफ्टर वैलेंटाइन डे, तो उन्हें शायद गुस्सा आ रहा है कि ऐसा भी क्या है कि मुझे ये भी नहीं बोल सकता, ये भी नहीं बोल सकती, तो ऐसी कुछ एनर्जी भी हो सकती है। रनिंग अवे, उन्हें लग रहा है कि जैसे ये प्यार भरे पल, वक्त, सब कुछ उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, मतलब डे बाय डे वो आपको मिस तो करते हैं, लेकिन पल पल अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो आप समझ ही सकते होंगे कि इस पर्सन को आपकी याद कितना ज़्यादा सताती होगी। से समथिंग, तो वो चाहते हैं कि आप कुछ तो कहें, यानी कि कुछ भी बात, कोई भी बात, भले ही ये मैजिकल वर्ड कहे या फिर मिलने के लिए पूछे या हाय कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कुछ तो कहे, और हो सकता है आप कुछ भी नहीं कह रहे जिसकी वजह से ये पर्सन गुस्से में है। स्पीक समथिंग, ये कार्ड भी वही बताता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी जुबान खोले, अपने दिल के जज्बात अपनी जुबान पे लाएं और इस पर्सन को भी एहसास कराएं कि आप भी उन्हें मिस करते हैं। वेटिंग विदाउट क्लू, तो इन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, यानी कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपके दिलो दिमाग में इनको लेके क्या बात चल रही है, आखिरकार आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई वैल्यू है भी या नहीं। तो ये सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये विदाउट क्लू मैं बेवजह ये इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो ये जब वो सोचने लगते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता, ये पर्सन ऑलरेडी अपनी एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऊपर से आपकी एनर्जी उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ये नाराज़गी और भी बढ़ रही है। आइज दैट स्टेयर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी नज़रें शायद बार बार फ़ोन चेक कर रही होती हैं, यानी कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन मिलता भी हो तो भी इन्हें लगता है कि बस आ गया उसका मैसेज, और जब वो महसूस करते कि नहीं ये तो उसका मैसेज नहीं है जिसका आना चाहिए था, तो ये नाराज़ और ज़्यादा हो जाते हैं। रिंग डोरबेल, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन कहाँ पे रहते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या वो मेरे घर नहीं आ सकता या घर नहीं आ सकती, तो उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें मिलना ही नहीं चाहते, इस वजह से आप उन्हें मिलने के लिए कोई पूछ भी नहीं रहे हैं, ना ही उनकी खबर लेने के लिए उनके घर तक पहुँच रहे हैं। आई विल बी ऑन योर साइड, तो ये बात तो उनके दिल में है कि आप अपनी जुबान से ये कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी साइड में हूँ या तुम्हारी साइड में हमेशा रहूँगी या रहूँगा, ये आपको कहना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है जो शायद आपकी जुबान से सुनने के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहा उनका फाइनल मैसेज। लिप किस, इस तरह का वो आप दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, और अगर ये आपकी तरफ से मिल जाए तो उन्हें लगता है बातों की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, और शायद ये उन्हें मिल नहीं रहा है, यानी कि इस तरह की पैशन वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सॉरी भी कहे तो भी शायद वो आपकी तरफ से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह से आप उनसे सॉरी कहे, बस ये कर दे। तो ये अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पर्सन क्यों नाराज़ है।
तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।